हमने पहले 5 से 10 मिनट तक रखा, उसके बाद फिर हमने 5 मिनट 10 मिनट और रखा धीमी आंच पर। हमारा मूंग दाल की खिचड़ी रेडी हो गई है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। आज हम आपको कश्मीरी मोंग खेसर और मुचटिन बनाना सिखाएंगे, जिसे हिंदी में मूंग दाल की खिचड़ी और मूली की फ्राइड सब्ज़ी कहते हैं। पहले मैं आपको मूली की फ्राइड सब्ज़ी कैसे बनाते हैं ये बनाना सिखाऊंगा, और उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ये भी मैं बताऊंगी। हमने पहले मूली ले ली है, जिसको मैंने कद्दूकस करके रख दिया है। उसके लिए मुझे चाहिए ज़ीरा और तेल। मैंने एक कढ़ाई ले ली है जो गैस पे रखी है, और मैं इसका गैस ऑन कर देती हूँ। मैं इसमें अब तीन चम्मच तेल डालती हूँ। तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं ज़ीरा डाल देती हूँ। और थोड़ी हींग। ये कद्दू का चटनी डालेंगे। अब हम इसमें आपको मूली की कद्दू कसी हुई मूली डालेंगे। इसको थोड़ी देर तक हम तलेंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। मैंने आधे चम्मच नियर अबाउट चम्मच नमक डाला है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ी देर हम तलने देंगे। हम इसे थोड़ी देर और तलेंगे। हमारी मूली फ्राई हो गई है। अब इसमें हम पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे। हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है, इसे हम मिक्स करेंगे। इसमें हम आधे चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हमारी मूली की चटनी फ्राई हो गई है। इसे हम थोड़ा सा धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए, हम इसे मूली की चटनी भी कहते हैं, मूली की सब्ज़ी भी कह सकते हैं। अब मैं आपको मूंग दाल की खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 कटोरी मूंग पहले ही भिगो के रख दी है। 2 कटोरी मूंग के लिए 2.5 कप चावल। हम एक भगोना लेंगे, जिसे हम गैस पे चढ़ा देंगे और गैस ऑन कर देंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच के करीब तेल डालेंगे।
तेल गरम होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें हींग, पिंच ऑफ हींग, थोड़ा सा ज़ीरा, ज़ीरा ज़्यादा नहीं डालेंगे, 3 लौंग, 1 काली मिर्च, 1 दालचीनी, 1 तेज़पत्ता, 1 डाल। और 1 बड़ी इलायची। हमने इसमें मूंग की दाल डाल दी है, तो वो थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद हम चावल भी डालेंगे। अब हम इसमें चावल भी डालेंगे। इसे हम मिला लेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब हल्दी और 1 छोटा चम्मच जिंजर का पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच नमक, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम ज़्यादा, अभी मैंने 1/2 चम्मच डाला है, मैं 1/2 चम्मच से 1/2 और चम्मच कम और डालती हूँ नमक। अब हम इसमें 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी डाल देते हैं। मैंने 3.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे। पकने के लिए रख दिया है, जब तक ये हम इसमें लगा के रखते हैं, पकने के लिए रखते हैं, तब तक हम इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ। हमारी मूली की चटनी रेडी हो गई है। हम इसका नॉब बंद कर देते हैं और इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। हमने पहले 5 से 10 मिनट तक रखा, उसके बाद फिर हमने 5 मिनट 10 मिनट और रखा धीमी आंच पर। हमारा मूंग दाल की खिचड़ी रेडी हो गई है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे।
मैं इसमें ऊपर से फ्राइड मूली की सब्ज़ी रख देती हूँ। हमारी मूंग दाल और फ्राइड मूली की सब्ज़ी रेडी है।